सब्सक्राइब ना करने का अंजाम। भाई मैंने तो कर दिया, अब तू भी कर देना। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स क्या हैं। अब इसमें रेडिकल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि अंडर रूट ए, यहाँ पर अगर स्मॉल एन लिखा हो तो हम देखते हैं कि ये जज़र की अलामत जो है उसको रेडिकल साइन कहते हैं, एन को रेडिकल इंडेक्स कहते हैं, और जज़र की अलामत के नीचे जो ए है या कोई भी रकम ए के अलावा हो तो उसको हम रेडिकेंट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, देन एनथ रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एनथ रूट ऑफ ए इंटू एनथ रूट ऑफ बी। अगर रेडिकल साइन के नीचे ए इंटू बी हो तो हाँ, और यहाँ रेडिकल इंडेक्स जो है वो एन हो तो हम इस ए और बी को अलग अलग रेडिकल साइन विद इंडेक्स एन लिख सकते हैं। इसी तरह से ये मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर डिवीजन में है, ए ओवर बी रेडिकल साइन है और ये एन रेडिकल इंडेक्स है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एनथ रूट ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू एनथ रूट ऑफ ए ओवर एनथ रूट ऑफ बी। इन्हें डिवीजन में था तो हम इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं और दोनों पर रेडिकल साइन और रेडिकल इंडेक्स लिखा जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हमारे पास mth रूट ऑफ ए हो, यानी रेडिकल साइन के साथ ए है और m जो है वो रेडिकल इंडेक्स है, उसके बाद ये जो इतनी रकम है इसका फिर जो है रेडिकल साइन इसके ऊपर है और फिर इसका रेडिकल इंडेक्स जो है वो एन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि रेडिकल का साइन एक बार लिख लेंगे और जो रेडिकल इंडेक्स थे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार लिख लेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ए एम इसके ऊपर रेडिकल साइन है और n इसका रेडिकल इंडेक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a रेडिकल इंडेक्स के साथ और n इसका रेडिकल इंडेक्स और ये m जो है यहाँ पावर बन जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, nth रूट ऑफ a n यानी a n इसका रेडिकल ये साइन इसके ऊपर रेडिकल साइन फिर उसका रेडिकल इंडेक्स एन, तो ये ए के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें जो रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में चेंज करना है
और अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हैं तो उनको रेडिकल एक्सप्रेशंस में चेंज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन में और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में फ़र्क क्या है। रेडिकल एक्सप्रेशन देखिए, एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे। ये n जो है रेडिकल इंडेक्स है और इसको हमने क्या लिखना है, ये a लिखेंगे, उसके ऊपर पावर जो है वो क्या होगी, 1 ओवर रेडिकल इंडेक्स। जज़र की अलामत इधर से ख़त्म हो गई, रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि n जो है वो 1 ओवर n हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि -64, अब यहाँ पर रेडिकल साइन है और 3 इसका रेडिकल इंडेक्स है। दूसरे लफ्ज़ों में थर्ड रूट ऑफ -64, तो हम क्या लिखते हैं, -64 उसी तरह लिखा, रेडिकल का साइन ख़त्म किया और ये जो 3 है इसको यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हम देखते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में 2^3/5 हमें गिवन है और हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। 2^3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/5, 3 यहाँ लिखा और 1/5 जो है वो ब्रैकेट के बाद उसकी पावर लिखी। अब हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास 1/5 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि रेडिकल साइन डालेंगे और ये 5 यहाँ पर रेडिकल इंडेक्स बन जाएगा। इसके बाद -7 इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि इस टर्म और इस टर्म में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर 1/3 पावर है -7 की और यहाँ पर माइनस का साइन एक साइड पे है और 1/3 पावर है सिर्फ 7 की। यहाँ होल पावर है -7 की और यहाँ 7 माइनस एक साइड पे है और 7 की पावर है 1/3। अब बुक में जो रकम दी गई है क्वेश्चन में वो ये है, इसको भी सीख लीजिए कि अगर हमने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम -7 रेडिकल साइन के साथ लिखा और ये 3 उसका रेडिकल इंडेक्स बन गया। ये बुक वाली रकम देखिए, -7 उसकी पावर 1/3 है, ये माइनस का साइन साथ चलता जाएगा और इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। 7 की पावर 1/3, ये माइनस का साइन साथ उसी तरह आता जाएगा और इस 7 को रेडिकल साइन के नीचे लिखा और 1/3 जो है इसका ये 3 जो है वो रेडिकल इंडेक्स बन गया यहाँ पे। इसी तरह से y की पावर -2/3, -2/3 को हम -2 × 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम डबल पावर की फॉर्म में लिख देंगे, -2 यहाँ रहा और 1/3 इसकी अगेन पावर बना दी हमने। अब 1/3 जो है हमारी हेल्प करेगा इस फॉर्म में लिखने में,
वाई की पावर माइनस टू, इसके ऊपर रेडिकल का साइन लिखा और ये थ्री जो है वो हमारा रेडिकल इंडेक्स बन जाएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं, उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। मैंने ट्रू स्टेटमेंट्स और फॉल्स स्टेटमेंट्स को अलग अलग करके लिखा है। टू की पावर टू ओवर थ्री इज इक्वल टू एन थर्ड रूट ऑफ फोर। अब हमने प्रूव करना है कि ये कैसे ट्रू है। टू की पावर टू ओवर थ्री, इसको हम टू ओवर थ्री को टू इंटू वन ओवर थ्री लिखेंगे। टू की पावर टू ये लिखा और वन ओवर थ्री जो है वो हमारे यहाँ रेडिकल साइन लिखने के बाद यहाँ रेडिकल इंडेक्स बन गया। मज़ीद क्लियर करने के लिए इसको आप 2 की पावर 2 और ये अब क्लियर हो जाएगा कि ये 1 ओवर 3 जो है यहाँ पर कैसे रेडिकल इंडेक्स पर आया। अब 2 स्क्वायर हम जानते हैं 4, तो ये देखिए कि ये साइड हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए। फॉल्स स्टेटमेंट्स, 5 की पावर 1 ओवर 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 ओवर 2। अब इधर देखिए यहाँ पर 1 ओवर 5 है तो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अंडर रूट 49 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अंडर रूट 49 को हमने सॉल्व करके देखा, प्लस माइनस 7 आता है हमारे पास और अंडर रूट 7 और 7 प्लस माइनस 7 ये इक्वल नहीं है, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। इसी तरह से x की पावर 27 रेडिकल साइन जो है इसके साथ हमारे रेडिकल इंडेक्स जो है वो 3 है, यानी थर्ड रूट ऑफ x की पावर 27 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब इस साइड को हम सॉल्व करके देखते हैं, ये 3 जो है इसका 1 ओवर 3 लिखेंगे, रेडिकल साइन ख़त्म हो जाएगा और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की पावर 9 आया। तो x हम देखते हैं कि हमें इस साइड पर राइट हैंड साइड पर x की पावर 3 दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंप्लीफाई माइनस 1 ओवर 25 विद रेडिकल इंडेक्स 3। अब देखिए कि माइनस 1 ओवर 25 इसको हम ये रेडिकल का साइन ख़त्म करने के बाद 1 ओवर 3 लिख सकते हैं इस 3 को। अब 5 माइनस 125 इसको हम माइनस 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, आप इसके फैक्टर बनाकर देख लें तो हमारे पास माइनस 5 की पावर 3 आएगा। अब ये 3 और 1 ओवर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, यहाँ कैंसिल हो गए और आंसर आया हमारे पास माइनस 5। इसी तरह से 32 इसकी पावर है 1 ओवर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी फैक्टर बना के देखा तो हमारे पास 5 times 2 आएगा।
अब 2 की पावर 4 इसको हमने अलग कर लिया ताकि हम इस 1/4 के साथ किसी तरीके से कैंसिल कर सकें। और जो फिफ्थ पांचवें नंबर पे हमारे जो 2 है वो अलग कर लिया। अब देखें कि 2 × 2 की पावर 4 उसकी होल पावर है 1/4। ये 1/4 पावर जो है दोनों के ऊपर अलग अलग लिखी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ 2 रह गया और ये 2 की पावर 1/4 उसी तरह साथ आता जाएगा। अब 2 ये लिखा, 2 की पावर 1/4 को हमने रेडिकल साइन के साथ लिखा, रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखा, तो 2 ये वाला और 1/4 जो है वो रेडिकल साइन लिख के यहाँ पर रेडिकल इंडेक्स बन गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट देखिए। 3/32 रेडिकल साइन है और फिर 5 जो है वो रेडिकल इंडेक्स है। दूसरे लफ्ज़ों में फिफ्थ रूट ऑफ 3/32। प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा और ये रेडिकल का साइन दोनों पे अलग अलग लिखा और फिर रेडिकल इंडेक्स डाल दिया 5 5। अब फिफ्थ रूट ऑफ 3 ये उसी तरह आ जाएगा और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 32 आता है। इसके फैक्टर बनाकर देख सकते हैं। अब ये जो 5 है अगर हम ये रेडिकल का साइन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर पावर बन जाएगी 1/5। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों पावर्स जो हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर 5 5 से कैंसिल हो गया और सिर्फ 2 रह गया हमारे पास। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ कि फिफ्थ रूट ऑफ 3/2। फोर्थ पार्ट देखिए, -8/27 यहाँ रेडिकल का साइन है और ये 3 जो है वो रेडिकल इंडेक्स है। दूसरे लफ्ज़ों में थर्ड रूट ऑफ -8/27। अब यहाँ पर रेडिकल का साइन जब हमने ख़त्म करना है तो हम इसको 1/3 लिखेंगे। इस 3 को, 8 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3। इसके फैक्टर बनाकर देख लें 8 के, तो 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। और यहाँ पर इसी तरह से 27 के फैक्टर बनाकर देखें कि 3 की पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। और ये पावर 1/3 जो है दोनों पर अलग अलग हमने लिखी है। इसके बाद देखिए कि ये दोनों पावर्स जो हैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर भी 3 3 से कैंसिल और यहाँ पर माइनस माइनस का साइन तो साथ आता जा रहा था, ये 2 रह गया यहाँ पर और यहाँ पर 3। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ, -2/3। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।